प्लास्टिक की टेबल के बीच ये छेद क्यों होता है। दरअसल आपको पता होगा कि अक्सर प्लास्टिक के स्टूल को एक के ऊपर एक करके रखा जाता है, और अगर यह छेद नहीं हो तो ये स्टूल हवा के दबाव और वैक्यूम के कारण आपस में चिपक जाएंगे और फिर इन्हें अलग करने में बहुत मुश्किल होगी। और साथ ही अगर कोई अधिक वजन वाला व्यक्ति स्टूल पर खड़ा हो जाए तो भी वो स्टूल इस छेद के कारण आसानी से नहीं टूटता है। इन सभी कारणों के कारण स्टूल के बीच ये छेद होता है।